गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी बदमाश अपने बेखौफ मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना कबीनगर इलाके की अवंतिका कॉलोनी में उस वक्त सामने आया जब करीब आधा दर्जन बदमाशों ने वहां स्थित घर को अपना निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार थाना कबीनगर इलाके की अवंतिका कॉलोनी में सुरेश मित्तल नाम का शख्स अपने परिवार के साथ रह रहा है। देर रात बदमाशों ने उनके घर को अपना निशाना बनाया और घर के कमरे की ग्रिल काट कर बदमाश अंदर घुस गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बदमाश घर में रखे 80,000 और 5 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी के अंदर पिछले काफी समय से अंधेरा छाया हुआ है। रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद बदमाश कॉलोनी में घुसे और वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए है। आरोप है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों को इस बारे में अवगत भी करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने समस्या को हल करने की कोई कोशिश नहीं की है। इसका नतीजा यही निकला कि आज यहां एक घर में बेखौफ बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। हैरान कर देने वाली बात ये है कि जब से पुलिस को इस वारदात की सूचना मिली है तभी से पुलिस मौके पर मौजूद है और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुँचे, लेकिन इस वारदात के बारे में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। महज यही बताया जा रहा है कि पुलिस गहनता से जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। वहीं इस वारदात के बाद से कॉलोनी में रहने वाले लोग बेहद खौफ के साए में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित गर्ग है भाई। अमित गर्ग जी, क्या हुआ है अवंतिका में, क्यों पुलिस आई हुई इतनी ज्यादा? ये यहाँ पे सुरेश मित्तल जी के यहाँ कल रात को डकैती पड़ गई। इनके घर में 3 मेंबर रहते हैं और यहाँ पे 90% लाइटें जली नहीं थी 6 महीने से। हम लगातार नगर पालिका को लेटर लिख रहे हैं, उनसे कोशिश कर रहे हैं कि सही हो जाए, लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, यहाँ पे सामने ये रेलवे की लाइन से यहाँ पे आना आसान है बहुत, जैसे कि कोई भी चोरी डकैती करना यहाँ पे आसान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह कुछ किसी चीज़ का इंतजाम नहीं। जैसे आप यहाँ रहते हैं पड़ोस में ही, क्या अभी तक आप इनसे परिवार से मिल पाए डकैती के बाद? नहीं। क्यों? अभी किसी को अलाउ नहीं है अंदर। कौन अलाउ नहीं कर रहा? अभी यहाँ पे पुलिस की काफ़ी आवाजाही है तो इसलिए वो लोग किसी को आने जाने नहीं। सब परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, क्या जानते हैं आप इनके बारे में, कितने लोग रहते हैं, क्या क्या करते हैं? ये 3 लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और इनकी बिटिया, और मित्तल साहब जो है एक यहाँ सोसाइटी में एक शॉप चलाते हैं और काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे रह रहे हैं और काफ़ी सीधे साधे अच्छे लोग हैं। और कौन है घर में उनके अलावा? उनके अलावा घर में और इनकी एक बिटिया की शादी हो चुकी है और एक बेटा जो है कलकत्ता में जॉब करता है। ये जो बिटिया यहाँ रहती है ये क्या करती है? ये जॉब करती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा, और क्या घटनाक्रम कुछ पता चल पाया हो आपको? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता लगा पाया, बस इतना पता कि 2:30 बजे ये लोग कुछ दिन पहले ऐसे यहाँ हुई थी, यहाँ से कुछ दूरी पे ऐसी डकैती पड़ी चिंजी विहार में। हाँ जी। कितनी दूर है यहाँ से? और उसमें भी यहाँ से मात्र 1.25 किलोमीटर होगा। गाजियाबाद से अमित शर्मा की रिपोर्ट।